बच्ची गुरुजी में, मेरा नाम वर्षा है और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेकर के आ गई हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, देश भर में बहुत सारे बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और ये बच्चे जी जान से एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसे हम आईएएस एग्जामिनेशंस के पैरंट नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में पहले हम थोड़ा सा जानेंगे, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस जो आते हैं वो दो पार्ट्स में होते हैं। एग्जामिनेशन, इसके बाद इंटरव्यू अलग होता है, यानी टोटल 3 स्टेजेस होती हैं इसके एग्जामिनेशन की। नंबर 1 पर आता है प्रीलिम्स, नंबर 2 पर आता है मेंस और नंबर 3 पर आता है इंटरव्यू। अब प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में आपका पेपर आता है ऑब्जेक्टिव पेपर, इसके बाद मेंस जो होता है वो आपका सब्जेक्टिव होता है। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर आते हैं, जीएस का पेपर, सीसैट का पेपर, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद जो मेंस पेपर होता है, मेंस में आपके काफी सारे एग्जाम्स होते हैं। जी हाँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, आपके जीएस के पेपर होते हैं, आपके क्वालिफाइंग नेचर वाले पेपर होते हैं, लैंग्वेज पेपर होते हैं। इसके बाद आता है इंटरव्यू। आईएएस एग्जामिनेशन का इंटरव्यू तो पूरे इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है, कितना टफ माना जाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए, और इसी के साथ इसके पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होती। तो प्लीज आंसर्स गलत मत कीजिए, गलत आंसर टिक मत कीजिए। अगर आप क्वेश्चन में बिल्कुल श्योर हैं तभी उस क्वेश्चन को आप ज्वाइन कीजिए, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग से, 0.1 नेगेटिव मार्किंग से भी आपके रैंकिंग में काफी असर पड़ जाता है, लाखों रैंकिंग में असर पड़ता है। तो इस चीज का प्लीज ध्यान दीजिए, नेगेटिव मार्किंग में बिल्कुल मत पड़िए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। भोपाल में बहुत सारे बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशंस कर रहे हैं और ये शहर भी प्रिपरेशंस के लिए काफी ज्यादा नामी शहर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर प्रिपरेशंस कर रहे हैं अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स की, चाहे वो बैंकिंग हो, फिर चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम्स हो, तो सभी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। और इसी शहर में यूपीएससी सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशंस बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं और उनके लिए आज हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ लास्ट तक, जानने के लिए कि आपके अपने शहर में यूपीएससी सिविल सर्विसेज की कौन कौन सी कोचिंग अच्छी हैं, क्या खासियत है। हर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जहां हमने हर इंस्टीट्यूट, जो टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके बारे में उसी एक वीडियो में आपको बताया है रैंकिंग वाइज, कौन सी रैंक पर कौन सा इंस्टीट्यूट है, उनका एड्रेस, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ हमने दिया है और हर इंस्टीट्यूट के बारे में एक शॉर्टकट डिटेल्स भी दी है। तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जहां रैंकिंग वाइज हर इंस्टीट्यूट के बारे में आपको एक ही वीडियो में पता लग जाएगा। इसके अलावा हर इंस्टीट्यूट के बारे में इंडिविजुअल वीडियो, जहां इन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मौजूद है, इन्फॉर्मेशन बताई गई है आपको उस इंस्टीट्यूट के बारे में, वो वीडियोस भी हम अपलोड कर चुके हैं, आप उन वीडियोस को भी हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इससे पहले आप ये लिस्ट देख सकते हैं रैंकिंग वाइज कौन सी रैंक पर कौन सा इंस्टीट्यूट है, हम वो वीडियो आपके सामने, हम वो लिंक आपके सामने दिखा सकते हैं, वो लिस्ट, उस लिस्ट में कौन सी रैंक पर कौन सा इंस्टीट्यूट है आप ये देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट कोचिंग इंस्टीट्यूट की। स्टूडेंट्स पॉइंट कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा, बहुत ही फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है। भोपाल में बहुत सारे बच्चे इस कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ट्रस्ट करते हैं कि ये आपका यूपीएससी का एग्जाम जरूर क्वालिफाई करवाएंगे। लिस्ट की बात करें, जो स्टार्टिंग में आपने लिस्ट देखी उसमें आपने देख ही लिया कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट 4th नंबर का सबसे अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है पूरे भोपाल में। इनके फीचर्स की बात करें तो इनके फीचर्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। ये इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है और इस लोकेशन में बहुत ही ज्यादा फेमस है। जी हाँ, इस इंस्टीट्यूट में आपको स्टडी मटेरियल कोर्स के साथ ही प्रोवाइड किया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। रिसर्च करके बनाया जाता है, एक्सपर्ट्स द्वारा बनवाया जाता है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाती है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा अच्छा है और इनका रिजल्ट्स भी बहुत ज्यादा अच्छे वे में इंप्रूव हो रहा है, यानी हर साल इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं और वो बच्चे आपसे दोबारा मिल करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस एग्जाम की प्रिपरेशन करी थी और वो चीजें आपको किस तरीके से हेल्प कर सकती है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए।
तो दोस्तों इनकी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप इन्हें विजिट कर सकते हैं, आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ज्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारे पेज को भी विजिट कर सकते हैं। हमारे पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके आपके लिए ये वीडियोस लेकर के आते हैं। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे एक नई लोकेशन की, एक नई वीडियो की, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। ऑल द बेस्ट।